वो मैं निकल चुकी हूँ, फिर मुंह में मार देता हूँ ऐसे करके चल रहा है, डंडा लेके पूरा मुंह में ठस करके लग। जो सामान लेते वक्त फोल्ड कर करके रखती है वो ये दूर, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो लेती है, बोलती अच्छा नहीं लग, निकल निकल के फिर पूरा घर में ऐसा घूमेगा। तो भगवान खा तेरा पेट भर के खा, अपने मैं नहीं उठा पा रही थी, नहीं होगा रही मुझसे। वेलकम बैक टू माई चैनल हरे कृष्ण, कैसे आप सब, आई होप आप लोग सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। सो गाइस आज थर्सडे है, तो थर्सडे का सारा काम कंप्लीट करके अभी मैं जा रही हूँ टाउन में, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेने हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, उनके साथ मैं जाऊँगी। ब्लॉग को एकदम स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और आप यहाँ देख सकते हो मैं पूरा तैयार हो चुकी हूँ अभी ना, मुझे गेट रेडी विद मी ये सब करना बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि पूरा काम ख़त्म करके मुझे अभी जल्दी जल्दी मैं रेडी हुई हूँ। उसी बीच अगर मैं फ़ोन निकाल कर अगर गेट रेडी विद मी अगर शूट करूँ फ़ोन को ऐसे रख कर, उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है अगर आप गेट रेडी विद मी शूट कर रहे हो। तो अभी मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता है, एक बच्चा भी है तो उसे भी संभालना पड़ता है। तो उसके लिए भी मैं खाना तैयार करके जा रही हूँ, तो मम्मी खिला देगी। और बाकी मैंने थर्सडे का जितना भी काम है वो सब नीचे कर लिया, बर्तन धोने से लेकर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है मेरा। अभी मैं जा रही हूँ टाउन, तो मेरी एक फ्रेंड आ रही है, उनके हस्बैंड भी आ रहे हैं, तो उनके साथ मैं जाऊँगी। तो यहाँ मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, तो ब्लॉग को एकदम लास्ट तक देखिएगा। तो चलो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं ये ताला भी लगा लेती हूँ। ओ देखो कपड़े, कपड़े भी सुखाने थे, भगवान कपड़े ना सुखा कैसे होगा। हाँ तो मैं निकल चुकी हूँ, और यहाँ देखिए बारिश देना शुरू हो गया है, और मैंने अम्ब्रेला ले रखा है, अचानक से बारिश आ गया। सुबह तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से बारिश भी आ गया। ये रही मेरी फ्रेंड तो भैया कई कार था, तो कार में बैठ चुकी हूँ, और बारिश भी कशी कसके भी दे रहा है, लेकिन मौसम अच्छा है ना, की वजह से रास्ता देखो, यहाँ पास नीचे का रास्ता तो बारिश नहीं कमेगा शायद से। निकल गए हैं गाड़ी से, यहाँ पे देखो रास्ता, देखो यार रास्ते का हालत देखो, अरे हम लोग सिलचर का सब कुछ ठीक है, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। आया विशाल, पहले थोड़ा देख लो है ना नहीं अच्छा भी नहीं लगता ये सब ना, पहले ऊपर ऊपर जहाँ पे कर्टन्स वगैरह है ना, कर्टन्स वगैरह देख के जाते देख ये ना, चलो अभी भी मुंह में मार देता हूँ ऐसे करके चल रहा है, डंडा लेके पूरा मुंह में ठस करके लगता है अभी। यहाँ आ जा उस साइड पे, स्ट्रेट मुझे बीच का पोर्शन व्हाइट लेना है, और साइड साइड का ना वो करके लेना है। हाँ वही पता नहीं, ये वाला अच्छा लगेगा ना, ये वाला कटिंग उसके साथ, फिर ब्लू व्हाइट के साथ ब्लू अच्छा लगेगा, ब्लू अच्छा लगेगा भाई। ओ ये कैसा लगेगा, ये कलर भी अच्छा ही लगेगा लग रहा है। घर का अभी फर्नीचर के साथ अब कुछ मिलेगा क्या? ये कलर कैसा लगेगा व्हाइट, घर का व्हाइट के साथ क्या क्या मैच करेगा, व्हाइट के साथ ब्लू तो खतरनाक जाता है, खतरा जैसा नहीं। हाँ ये कलर सूट जाएगा ना, ये शायद ये सब कलर जाएगा।
बहुत अच्छा है ये तो। हाँ ये भी अच्छा, ये मैंने अभी लिया है मेरे रूम के लिए। हाँ, ये सही है, ये जाएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। भी सेम हाँ, क्या अभी इसको लेना है उधर पीछे से, ये भी अच्छा जाएगा। हाँ ये भी जाएगा, ये ले मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। हाँ क्यों बोलो, मुझे वो कुशन के साथ उसके साथ मैच कर, ये अच्छा लगेगा, लग रहा है मुझे, लग रहा है ब्राइट करेगा ये, देख वही ब्राइट है ये, देख ये और ये कॉम्बिनेशन देख, देख अच्छा लग रहा है, मतलब डल हो रहा है, देख ये मतलब थोड़ा वो मखमल में है, हाँ डल हो रहा है, देखते हैं ना। हाँ ये सब देख तो, ये क्या है, ये देख तो, देख तो ऊँचा, खोल तो, खोल तो, अच्छा लग रहा है, खोल तो, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा देखते हैं ना, देखो ये कलर देख तो, ये कलर देख, ये जाएगा शायद से, देखना व्हाइट के साथ ये बहुत अच्छे से जाएगा, मुझे लग रहा है ये जाएगा, देख खरीद, हाँ ये होने से खरीदूँ, ये अच्छा लग रहा है, पता नहीं लग रहा है ज़्यादा। हाँ ये अच्छा है ये तो, लेकिन उसका है दरवाजा का है, डोर का है, तब तो ये डोर का ले लूँ, डोर का भी तो चाहिए, खिड़की डोर मिला के एक ही लेना पड़ेगा ना, तो देखो खिड़की का एक, दरवाजे का दूसरा, अच्छा ये इसका देखते भैया, ये शॉर्ट वो विंडो का नहीं है क्या, इसका विंडो नहीं है, इसका विंडो नहीं है, पहले जो देखा था वही से ये सिलेक्ट किया, ये अच्छा लग रहा है, ब्राइट भी करेगा रूम को, है ना, देख मैं क्यों बोलूं, किस अच्छे से फोल्ड कर, देख देखा रूम व्हाइट है तो ये अच्छा लगेगा, देखा फोल्ड तो करूंगी, विंडो का भी ले ले। ओहो आने जो सामान लेते वक्त फोल्ड कर करके रखती है वो ये और मैं हूँ कि पूरा ऐसे खराब करके ऐसे ऐसे करके लेके जाती हूँ और ये देख ये वो है लड़की जो फोल्ड वोल्ड करके एकदम से देखो परफेक्टली फोल्ड कर रही है और वो काउंटर में जाके भी फोल्ड नहीं करना पड़ेगा उन लोगों को, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, तू तू पहले से ही फोल्ड करके दे रही हूँ उन लोगों को करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा ये हर चीज में परफेक्ट, इसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। वो 329 है ना, और विंडो का कितना है, वो विंडो का भी 329 है, 269 है, ठीक है, हो गया मिल गया दो, ओहो और एक विंडो का चाहिए। अब कुशन की बारी, हम लोग ने बैग में कुशन देख मैं बैग लेके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं कुशन देखती हूँ, कुशन कौन सा ले, तो ये ठीक रहेगा, ये सही रहेगा मुझे लग रहा है, हाँ ये सही रहेगा, इसमें वो कवर लगाने से भी हो जाएगा, एक दो तीन चार एक दो कुशन में दो और ये तीन, हाँ ठीक है ये ले लीजिए, अच्छा लगता है ये लगाने से, ये भी ले लेते हैं, अच्छा लगेगा इसमें, सही रहेगा ये, देख ये वो उसमें लगाने के लिए कर्टन्स में वो करके बांध के लगाने के लिए, देखा ये क्यों लेके आए, वो खींचने वाला नहीं है क्या, नहीं रे ढूंढते भैया, ये चटाई खोल के दिखा सकते हो क्या, खुला वाला है कहाँ है खुला वाला, नहीं ऐसा एक प्लास्टिक का देना है, एक शीतल पार्टी देंगे और एक ये नॉर्मल पार्टी एक चाहिए, मतलब लोग आने से बैठने के लिए, एक ये सही लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, नहीं ये ले लो,
गर्मी तो देता है ना, एक चटाई तो लेना पड़ेगा ना छने वाला। खाली ये लोग नहीं होते ना, हेल्प भी नहीं होता। अरे मेरी ये एक लौती फ्रेंड है जिस पे भरोसा भी किया जा सकता है और हेल्प भी करने के लिए हमेशा आ जाते हैं, बोलना नहीं पड़ता। इसका झूमना पड़ेगा, ये बच्चों जैसा मत दे रहे, थोड़ा अच्छा वाला। मैंने जो लिया था वैसे हाँ, ये ठीक है। कितना 160, ठीक है, ये ठीक है। हाँ ठीक है, ये एक है, ये बाथरूम का दे देते हैं, और एक होगा ये मतलब एंटर करने का टाइम। ये अच्छा लगेगा क्या कलर? धूल जमा हो जाएगा ना, धूल जमा होगा। हाँ, रूम का एंट्रेंस का थोड़ा स्टाइलिश सा देख, कौन सा बेस्ट लगेगा। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो लेती है, बोलती है अच्छा नहीं लग। तूने बोला ना अच्छा नहीं होगा बोल के, तू जो नहीं बोल रही है तो मैं भी मना कर दे रही हूँ। तू नहीं बोल रही तो मैं भी मना, हाँ बोल के क्या करूँ। नहीं नहीं नहीं, चाहिए ये सब हो सकता है, ये सब कपड़ा है। हाँ ये सब, हाँ तुषक बनाने के, लेकिन बाहर इससे अच्छा तो बाहर वो करके आप बनवा सकते हो अच्छे से, पकड़ के पता चल जाएगा। देख तो वो शायद से बेडशीट भी हो सकता है रे, मुझे लग रहा है बेड कवर है ना। ये मुझे ऐसे डरती है, जब मेरी माँ है, बाप रे। ओ ये सही है, ये ले रही हूँ, ये ठीक है, ये ले रही हूँ। ये निकल निकल के फिर पूरा घर में ऐसा घूमेगा, कुछ ना कुछ मैं डिफेक्ट निकालेगी निकालेगी रे भाई रे। हाँ स्टाइल के लिए बस 169 का स्टाइल मारी गई क्या? छोड़ ना, 99 का स्टाइल मारी गई। नहीं वो बच्चों कह रहे भाई, अच्छा नहीं लगेगा। चल चल चल, रखना ऊपर रखना, कुछ नहीं होगा, हैवी हो गया ना, तू खींच के। जिम ट्रेनर है भाई, हो जाएगा। डिसबैलेंस हो रहा है ना, इसलिए दिमाग से बोल रही हूँ। ये दे रहे मुझे, ये तो नॉर्मल है मेरी। चटाई पटाई लेके सब निकल पड़े हैं हम लोग। ये किसके लिए ले रहे हैं वो तो आपको बाद में ही, कुछ महीनों के बाद ही पता चलेगा। ये आप देख सकते हो काफी सारे सामान हो गए, और यहाँ पे कुछ बेडशीट जो मेरी फ्रेंड है वो ले रही है। बाप रे, ये थोड़ा स्लाइड ऐसे करने से भी होगा नहीं होगा, तो स्लाइड करके तो वो कर दी खींच के। ए भगवान, आय रे आय, है तो इसका ऐसे है तो इसको हाथ में ले रही। हाँ हाथ में ले सारा लोग है रे, बहुत सारा लोग है आज तो, कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है। उस दिन मैं आई थी तो इतना नहीं था। देखो काउंटर के तू यहाँ पे लेके खड़ी रहे, तू यहाँ पे पेमेंट कर, मैं जाके बाहर शादा। अमनु का भंडार। कितना सारा सामान लिया यार, एक और भी। क्या खिलाओ तुझे, इतना सारा सामान देखो ना। इस बेचारी को मैंने पूरा थका दिया है, और यहाँ मैं कटाई लेके खड़ी हूँ। आप लोगों को लेना है तो ले लीजिए। ये हम आए हैं, ये कौन सा है? ओके, इधर चले जाओ। ओ साड़ीस के, साड़ीस की शॉप पे डबल साड़ी भी लेना है क्या? साड़ी नहीं ले रही है, ब्रेड शीट्स ये सब। ये माने इतने प्राइस को तो ये बेडशीट ले रही है, और मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा हवा खा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल भी भीगे हुए थे, तो खोलने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैंने बाल बांध लिया। बहुत गर्मी कर रहा है, तो जो सामान लेना था वो ऑलमोस्ट हो गया है, बस थोड़ा बहुत जो लाइट सामान है वो लेना है। यहाँ मैं बैठ कर मज़े वाला हवा खा रही हूँ, अच्छा लग रहा है, शांति फील हो रहा है, पीसफुल
शॉप है ये, अच्छा लग रहा है। दिखाइए तो, ये लिया मैंने सैंडल, ले लिया जूता और एक पम्शो चाहिए था, ले लिया। और क्या लेना है तेरी मम्मी पे ये सूट करेगा। अरे आजकल ढीला ही पहनते हो ना, मोटा भी पहनते, वो नहीं पहनते, जंगल वंगल चली जाती है ना। हाँ जंगल वंगल चली जाती है, बात रे। अगर आप डिस्काउंट में देंगे तो और मेरे ब्लॉग्स में देख के और भी लोग आएंगे, है कि नहीं? ये कौन सा है शॉप का? शॉप का नाम ये, हाँ ये सामने है, नाहटा के पास, नाहटा के पास है ना, आप आइएगा। अच्छा लग रहा है ये, ये कलर स्टैंडर्ड भी है, येलो वाला। और तो डिजाइन है ना, अली टाइप कप कैसा लग रहा है? 250। और आमी की तरीका ला दवाई कम नहीं, हम जा रहे हैं खाने के लिए। ये जगह को तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी रे, ये बचपन में इतना खाया रे, यहाँ हमने बचपन में इतना खाया क्या बताओ। मसाला डोसा तो मैं यहाँ पर मतलब जब भी कॉलेज से आती थी ठूस ठूस के खाती थी। ये तो थी नहीं, ये पहली बार आई है मेरे साथ, ऐसे तो ये आती है ना, हमेशा हमेशा ही आती है यहाँ पर, तो साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद है ना, मुझे भी पसंद है, मैं सभी खाती हूँ, कुछ नहीं है मेरे दुनिया में ऐसा कुछ कोई खाना नहीं है जो मुझे पसंद नहीं, सब खाती हूँ। दूस आ गया, दूस आ गया, मैं पी रही हूँ स्प्राइट, खा तेरा पेट भर के खा, दुनिया का कुछ नहीं खाती है ये तो खाएगी, इसको पसंद है, खा पेट भर के खा। ये चीज वाला है ना, इसमें मसाला भी घुसा है क्या? और भैया क्या बड़ा सिंपल बड़ा आ गया है डोसा मेरा, चटनी दूंगा वो बड़ा है ना। सामान सभी सामान लेंगे जिम। जिम्स के स्टूल्स, बापरे ये सब तो, ये बहुत हैवी होगा ना ये वाला, बापरे मैं तो उठा ही नहीं पा रही हूँ। ये कितना है? 12 kg का है। देखा अपने, मैं नहीं उठा पा रही थी, नहीं होगा रे मुझसे। ये तो उठा लूंगी, ये पक्का उठा लूंगी, ये तो उठा लिया 5 kg का। बापरे ये सब जो जिम ट्रेनर होते हैं, जो जिम में काम करते हैं वही कर सकते हैं, फिटनेस हब जिम में रहते हैं, जिम करते हैं, उन लोग के लिए ये सब इजी है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। देखो कितने सारे सामान, आज भैया के कार ने पूरे सामान को कैरी कर लिया, ये तो इतना सारा सामान कौन ले आ पाता? ऑटो बुक करके जाना, मेरे को पता नहीं। एसी चल रहा है, ऑटो बुक चल रहा है, बंद, हाँ हाँ बंद करिए, ऑटो बुक करना पड़ता है ना। नहीं देखो कितना बढ़ चुका है, 12 मिनट। ये सब लेके इतना सारा सामान, ऊपर भी है देखो, ये सब इतना भारी भारी है, अरे बापरे। और बारिश भी दे दिया, भीगी गई थोड़ी।